हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो आप अगर NTTSA करना चाहते हैं तो NTTSA करने के लिए आप किस कॉन्सेंट्रेशन में आप ट्रीटमेंट करेंगे सेल को, वो आज हम देखेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, मोलारिटी कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर में आपको जाना है। तो सपोज आपको 2 मिलीमोलर कॉन्सेंट्रेशन का ड्रग निकालना है, 2 मिलीमोलर, और जो ड्रग है आपका मान लो उसका मॉलिक्यूलर वेट है 1220, और आप मान लो कितना ml बनाना, या आप 2 मिलीमोलर बनाना जा रहे हो, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 1220, आप कितना ml बनाना चाह रहे हो, 4 ml सॉल्यूशन, तो आपको कितना अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए, 9.76 मिलीग्राम को आपको ड्रग चाहिए। ठीक है, होप इट इज क्लियर फॉर यू गाइस। ओके, अगर आप यहाँ पे इसको कॉन्सेंट्रेट टू, आप अगर मान लो आप इसको 2 ml बनाना चाहोगे तो आपको कितना चाहिए, 4.88। डन, तो ये याद रखना हमेशा, आप कभी भी नानो पार्टिकल बनाओ या कोई भी ड्रग सिंथेसिस करो, उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, आप ट्रीटमेंट करना है, तो आपको एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाना होता है, तो जो कि मान लो आपने 2 मिलीमोलर बनाया, तो आपको इतना अमाउंट का ड्रग, अगर मोलिकुलर वेट चेंज है तो ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट दे देगा नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया था, ये है कैलकुलेशन, इसके पार्ट आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके बाद डाइल्यूटेड स्टॉक सॉल्यूशन हमें चाहिए, क्या चाहिए, डाइल्यूटेड स्टॉक सॉल्यूशन। ओके, तो जैसे कि तो डाइल्यूटेड स्टॉक सॉल्यूशन, तो आप मान लो आपके पास हमने बनाया 2 मिलीमोलर स्टॉक सॉल्यूशन, डन 2 मिलीमोलर का स्टॉक सॉल्यूशन बनाया, और अभी हम उससे डाइल्यूट करेंगे कितना, 0.2 मिलीमोलर बनाएंगे। ठीक है, 0.2 मिलीमोलर बनाएंगे, तो कितना वॉल्यूम बनाना है हमें, क्योंकि 96 वेल प्लेट है, तो आप जानते हैं कि मतलब 96 वेल्स हैं, तो हर वेल में आपको डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट में देना पड़ेगा, तो मान लो हमने 4 ml का बना लिया। ओके, तो 4 ml कितना, हाँ डिजायरेबल, तो हमने इस स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन से कितना अमाउंट इसमें ऐड करेंगे, जो कि C1V1 = C2V2 करते हैं अगर जानते, तो 400 माइक्रोलीटर है। कितना बेटा, 400 माइक्रोलीटर आप 2 मिलीमोलर स्टॉक सॉल्यूशन लोगे, और उसमें रेस्ट अमाउंट 3.6 ml आप क्या डालोगे, बफर डालोगे या मीडिया डालोगे, तब जाके आपका ये बन जाएगा। ओके, 0.2। अब मान लो मैं यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन बना के रखा हूँ, आप देख सक रहे हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लिख के रखा हूँ, जैसे कि मैंने 0.2 मिलीमोलर स्टॉक सॉल्यूशन लिया, तो 0.2 मिलीमोलर में मैं 10 माइक्रोमोलर, 30 माइक्रोमोलर, 50 माइक्रोमोलर, 70 माइक्रोमोलर, 90 माइक्रोमोलर, 110, 130, 150 माइक्रोमोलर का सॉल्यूशन बनाऊंगा। डन नो, इतना तो मैं कैसे बनाऊंगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये एक 96 वेल प्लेट में ट्रीटमेंट करने के लिए है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा पास स्टॉक सॉल्यूशन है कितना बेटा, तो मेरा पास मान लो आप 0.2 मिलीमोलर का स्टॉक सॉल्यूशन मैंने बनाया, स्टॉक सॉल्यूशन तो 2 मिलीमोलर था, अब हमने उसको डाइल्यूट किया 0.2 मिलीमोलर, तो देख सकते हैं डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन कितना था हमारा यहाँ पे, 10 माइक्रोमोलर, तो हम यहाँ पे जाएंगे और माइक्रोमोलर पे चेंज कर देंगे, क्या माइक्रोमोलर। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे मुझे कितना चाहिए, 10 माइक्रोमोलर। ठीक है, 10 माइक्रोमोलर चाहिए, और डिजायर्ड वॉल्यूम, डिजायर्ड वॉल्यूम हमने जो MTTSA करने के लिए एक वेल में 100 माइक्रोलीटर का के मीडिया डाला था, कितना डाला था, 100 माइक्रोलीटर का मीडिया डाला था, 2% मीडिया सेल को
सारा रात छोड़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। जब ट्रीटमेंट आप देते हैं, हम 2% मीडिया में ड्रग को हमेशा ट्रीट करते हैं। तो हमने 2% FBS सॉल्यूशन, FBS एंड DMEM में सेल को ग्रो किया, तो वहाँ पे अमाउंट कितना था, 100 माइक्रोलीटर। तो हम अगर 10 माइक हाँ, तो हमें कितना चाहिए, देन टू डिजायर कॉन्सेंट्रेशन 10 डिजायर वॉल्यूम, तो कितना आएगा यही देखेंगे ना। तो मान लो 100 लीटर नहीं माइक्रोलीटर है, तो देखो तो 5 माइक्रोलीटर चाहिए। कितना चाहिए भाई हमें, 5 माइक्रोलीटर चाहिए, क्योंकि 100 माइक्रोलीटर है उसमें और हमें 10 माइक्रोमोलर चाहिए। तो हमें कितना ऐड करना है, 5 माइक्रोलीटर सॉल्यूशन पे। हाँ, 5 माइक्रोलीटर मान लो थोड़ा बढ़ जा रहा है, तो 105 करेंगे तो कितना आ रहा है देखो आप, तो 5.2 पर, मतलब 5 ही माइक्रोलीटर लेना है। चलो फिर ऐसे देखेंगे कि 30 माइक्रोमोलर, चलो आप अगर बोलेंगे कि सर मैं 10 माइक्रोमोलर बनाऊंगा और 2 मिलीमोलर लूंगा, तो 2 मिलीमोलर अगर लोगे 10 माइक्रोमोलर, तो आपको कितना करना पड़ेगा, 525 नैनोलीटर लेना है। आप पाइपेटमेंट में तो ले नहीं सकोगे, इसीलिए हमें इसको 0.2 का स्टॉक सॉल्यूशन बनाना पड़ा। आप मेरा बात समझ गए कि हमने 0.2 का स्टॉक सॉल्यूशन क्यों बनाया। अगर 0.2 का स्टॉक सॉल्यूशन बनाया है, इसीलिए बनाया है कि ये जो है इसको हम पाइपेट मेन में उठा सकेंगे। अगर 2 मिलीमोलर लिया तो यहाँ पे नैनोलीटर आएगा, जो कि पाइपेट मेन में हम उठा नहीं सकेंगे। ओके, फिर देखते हैं 30 माइक्रोमोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए। ओके, 30 माइक्रोमोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना चाहिए, टोटल था 100, डन। तो देखो 15 माइक्रोलीटर कितना चाहिए, 15 माइक्रोलीटर मतलब हमें, मान लो हम इसको 115 कर देते हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम मिल गया 150। अब देखा तो कितना हो जा रहा है, 17, मतलब 20 माइक्रोलीटर करीबन आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कहाँ से ना, 0.2 माइक्रोमोलर सॉल्यूशन में से अगर आप 15 से 20 माइक्रोलीटर का सॉल्यूशन उठाएंगे, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन नियर अबाउट 30 माइक्रोमोलर हो जाएगा। इफ इट इज क्लियर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वन। ओके फाइन, मान लो इसी चीज़ को अगर हम 2 मिलीमोलर से लेके देखेंगे, तो क्या हो रहा है, कितना उठाना पड़ेगा, 1.7। तो दीज आर वेरी लेस, सो ऑलवेज प्रिपेयर एक स्टॉक सॉल्यूशन 2 मिलीमोलर, देन डाइल्यूट इट एंड प्रिपेयर 0.2 मिलीमोलर, फ्रॉम देयर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यू कैन प्रिपेयर। इफ इट इज ओके यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो क्योंकि 96 पेज में आप अगर देखोगे 1, 2, 3, 4 करके 8 कॉलम्स होते हैं, और ABCD करके आपका ABCD से H तक होते हैं, और रोज हमारा 12 होते हैं, ठीक है ना। तो जो कि मैंने लिखा है आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये देख रहे हैं ना, ABCDEFGH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, और इधर रोज देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मैंने 1 को ब्लैंक छोड़ दिया है, और 2 और 3 डुप्लीकेट में लिया था मैंने, तो ये ब्लैंक नैनो पार्टिकल दिया था। 4 और 5 को मैंने ड्रग लोडेड नैनो पार्टिकल दिया था, 6 और 7 को ड्रग लोडेड नैनो पार्टिकल विथ मैं को ड्रग डिलीवरी दिया था, एंड 8 और 9 में ओनली ड्रग, और 10 और 11 में ओनली ड्रग दिया था। तो ऐसे मेरा 5 ग्रुप था, और हर किसी में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रीटमेंट भी है, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150। ओके, ये जो हमने बनाया यहाँ पे सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया, तो ये एक 96 वेल प्लेट के लिए। फिर दूसरा 96 वेल प्लेट में मैंने एक डोज दिया था 2 मिलीमोलर, जो कि बहुत होता है 2 मिलीमोलर। तो वहाँ से मैंने 170, 210 माइक्रोमोलर, 250, 290, 330, 374, 10, 450, 490, ये मैंने कहाँ से निकाला,
कि मैंने लिटरेचर पढ़ा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने अप टू 500 माइक्रोमोलर रेंज का सॉल्यूशन बनाया और ये मैं ऐसे चीट करूँगा सेल्स में। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट्स वेरी गुड। इफ़ एनी क्वेरी इज देयर यू मे ड्रॉप ए मैसेज, आई कैन आंसर इट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। ओके, थैंक यू, टेक केयर। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।